ओम नमः शिवाय। यदि आपने पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध न किया हो, पितृपक्ष में ब्राह्मणों को खाना न खिलाया हो, पितृपक्ष में पिंडदान न किया हो, या किसी ब्राह्मण ने बता दिया हो कि आप पर पितृ दोष है या आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो शिव पुराण का एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा जो बहुत ही लाभकारी है। तो उपाय ये है कि आपको अपने हाथ में चावल का मात्र एक दाना लेना है जो टूटा ना हो, और उसको अपनी हथेली पर रख लेना है। और उसके बाद आप अपनी रसोई में जाना, जहाँ पर भी आप मटके में या जिस भी पात्र में पानी रखते हैं वहाँ पर बैठ जाना, और अपनी हथेली पर चावल के एक दाने को रख लेना, और अपनी आंखें बंद करके उसी पानी वाले पात्र के पास 5 बार स्वधा 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 का नाम लेना है। याद रहे, ये केवल 5 बार ही नाम लेना है। और उसके बाद अपनी हथेली पर रखे हुए चावल को ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और भगवान शिव से अपने पितृ दोष को समाप्त करने के लिए विनती करना है, और बाबा को प्रणाम करके घर आ जाना है। आप देखना, कितना भी आपके ऊपर बड़ा पितृदोष हो वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव पुराण का उपाय कभी खाली नहीं जाता है, वो अपना असर जरूर दिखाता है। क्योंकि स्वधा राजा दक्ष की बेटी और पितरों की पत्नी है, जिन्हें पितरों का कल्याण करने का वरदान प्राप्त है। और अच्छा तो तब रहेगा कि आप ये उपाय अभी सुने हैं, तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से उठिए और ये शिव पुराण का महा उपाय जल्दी करके आ जाइए। क्योंकि इस उपाय में आपको ना तो कुछ बाहर से खरीद के लाना है और ना ही देर तक कुछ पूजा करनी है। तो दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है आपको सरल शब्दों में समझाने की। यदि फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको तुरंत जवाब देने की। तो देरी मत कीजिए, जल्दी कीजिए, और अपने आस पड़ोस सगी संबंधी हो दोस्तों को भी ये उपाय शेयर कीजिए, ताकि वो भी शिव पुराण का ये महा उपाय का लाभ उठा सके। और कहा भी गया है, महाकाल नाम की चाबी ऐसी जो हर ताले को खोले, काम बनेंगे उसके सारे जो जय श्री महाकाल बोले। हर हर महादेव।